लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने आज हरिद्वार लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा विधायक सहित प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की संरचना तैयार की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली का गठन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के सांसद विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें कई विषय आए हैं। किसानों की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई और जानकारी मिली है कि किसानों को मुआवजा देना शुरू किया जाएगा। लोकसभा स्तरीय हमारी बैठक हरिद्वार लोकसभा की बैठक है। मंडल महामंत्री सुपर के कार्यकर्ता हैं। आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, उस दृष्टि से कार्यक्रमों की संरचना हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। खास तौर पर बूथ सशक्तिकरण का विषय है और हम लोग प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली तक की हमारी रचना का गठन होगा। उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम हमारे आज की बैठक में बनने वाले हैं। सर, किस तरीके की राजनीति रहेगी, क्योंकि हरिद्वार जिले में काफ़ी तो ठीक है, सारे विषय आज के अभी विधायकों से हम लोग बैठे हुए थे, अनेकों विषय हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब सारे विषय जाएंगे, तो किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भी कैसे उनको यथासमय मुआवजा उनको प्राप्त हो जाए। मुझे जानकारी मिली कि मुआवजा देना वितरण प्रारंभ हो गया, लेकिन उसमें और गति मिले उस दृष्टिकोण की संरचना आज के अभी विधायक और सांसदों की बैठक थी, उस बैठक में हमने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं।